नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो सिंहासन। मैं हूं विकास शर्मा। सिंहासन आज जोरदार दस्तक दे रहा जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर इलाके में। यहां की पब्लिक हमारे साथ है। जौनपुर बहुत पुराना शहर है, ये शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शहर के बारे में कहते हैं कि यहां से किसी भी सरकार में कोई ना कोई मंत्री रहा है, लेकिन इस सरकार में भी 3 मंत्री रहे। कितना विकास का काम हुआ समझने की कोशिश करेंगे। शिराज़े हिंद नाम से जाना जाता था, बहुत पुराना शहर है। कई बड़े साहित्यकार, कई फिल्मी कलाकार इस शहर में दिए हैं। स्वागत करेंगे यहाँ की जनता का, जो कि बड़ी तादाद में मौजूद है हमारे साथ, अपना सवाल लेकर तैयार। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे भी परिचय कराते हैं। अजय शंकर दुबे जी हमारे साथ, कांग्रेस के लीडर है, प्रत्याशी है। यहीं से स्वागत है अजय शंकर दुबे जी। राजेंद्र बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, स्वागत है राजेंद्र बहादुर यादव जी। संतोष मिश्रा साहब जो कि बीजेपी से हैं, बीजेपी से यहीं से विधायक हैं, सीमा द्विवेदी, काफी कड़े सवाल होंगे आपसे। नीलेश रविंद्र शुक्ला साहब जो कि शिवसेना के प्रत्याशी हैं, स्वागत है आपका। रामकुमार जायसवाल जी समाज सेवी है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल संतोष मिश्रा साहब आपसे है, बीजेपी की यहाँ विधायक है सीमा द्विवेदी, क्या काम कराया उन्होंने 5 साल में? बीजेपी की हमारी जो विधायक हैं, उन्होंने उनसे जो ज्यादा से ज्यादा विकास हो सका, विद्युतीकरण, क्या कराया आप, रोड, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, उन्होंने उनसे। ये कहाँ पे बना है खड़ंजा, इंटरलॉकिंग कहाँ पर है? बात साफ ये शुरू करता हूँ, नगर पालिका के द्वारा किया गया है। ये पब्लिक विरोध कर रही, देखिए हमारी विधायक के प्रयास से बादशाहपुर में 500 मीटर जो काम किया, 5 इंटरलॉकिंग 5 मोहल्ले में दिया गया। कोयराना मोहल्ला प्रथम, सेकंड गोला मंडी, बच्चानाथ की गली। सुनिए, मैं लोगों से पूछ लेता हूं, आप खड़े हुए बताइए काम कराया विधायक ने? कोई भी काम मुगरा बादशाहपुर की सरजमी पे, मैं खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बताना चाहता हूं कि मुगरा बादशाहपुर सरजमी की 5 साल हो गए, कोई भी काम ना हुए। जो काम हुए, जो भी काम हुए, यहाँ के चेयरमैन कपिल गुप्ता जी ने 25 करोड़ का काम कराया। मैं तो इस्तकबाल करता हूं। मैं और भी लोगों से, विधायक ने क्या काम कराया, कौन बोलेगा इधर, विधायक ने काम कराया या नहीं, आप बोलिए, बोलिए। हमारे यहाँ की विधायक केवल जाति व्यवस्था में समर्पित है, ये घोर जातिवादी है और उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा नगर पालिका के काम में विरोध, अच्छे लोगों का विरोध, और कुछ नहीं किया। संतोष जी और भी लोगों से पूछूं क्या? पूछिए, आप सुन नहीं रहे क्या, लोग क्या कह रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी के लोग, आप काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? कार्य किए हैं। मैं पूछता हूँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी विधायक ने काम कराया यहाँ पर? विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है आज 15 साल से, 3 बार से वो जीत रही हैं, लेकिन हमारा विधानसभा मुगरा बादशाहपुर में कोई भी उन्होंने ना कोई काम किया है, ना कोई विकास किया है, यहाँ की जनता एकदम परेशान है। मैं अजय शंकर जी, आप 27 साल से तो आपकी पार्टी है नहीं यूपी में, नहीं है ना? 27 साल तक बेहाल रहा यूपी, आज भी बेहाल है ना? बोलिए जी। समाजवादी पार्टी ने भी 5 साल बेहाल कर दिया? नहीं, समाजवादी पार्टी तो फिर 27 साल कैसे हो गए? 27 साल जो बेहाल का नारा था जी, बोलिए बोलिए आप। 27 साल का जो नारा था उसमें समाजवादी पार्टी से आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो काम हुआ है, मैं आपको बता दूं, जौनपुर से लेकर लखनऊ तक की जो रोड है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। उसके बाद मुगरा बादशाहपुर से शाहगंज की सड़क समाजवादी पार्टी ने बनवाया है, सतरिया इंडस्ट्रियल एरिया। संतोष जी, कुंदहा से मछली शहर जी, ये दूरी नापी आपने? नापी है ना? कितना वक्त लगता है, चल पाते हैं आप सही से? गाड़ी आपकी चलती है सही से कि नहीं? बिल्कुल चल पाती है। बोले सवाल एक बार फिर से पूछिए क्या? मेरा सवाल है कुंदहा से मछली शहर आप जाते हैं, दोनों के बीच में दूरी तय करते हैं जी, सड़क देखी है आपने? देखी है। अच्छी है? अच्छी नहीं है। ये तो समाजवादी विधानसभा क्षेत्र में है, ये तो
ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि सड़क अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आप भाइयों को छोड़ दीजिए, आपकी विधायक कितने साल से है? यही बगल में ले लीजिए, लल्लू के तालाब से सतहरिया तक की रोड आज उसके चलते नगर में इतना ट्रैफिक होता है, नगर में यातायात व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। इसमें सरकार ने यहाँ के सपा के लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? मैं ये भी सवाल लूंगा। मैं नीलेश रविंद्र शुक्ला जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी भी सीट पर काम के मामले में कमीशन खोरी हुई तो यहीं पर हुई है, सही बात है? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ प्रशासन से तो मैं संतुष्ट हूँ। लोग अच्छे हैं, प्रशासन अच्छा है यहाँ पर, बढ़िया। मैं शासन के विषय में नहीं कह रहा, मैं प्रशासन के विषय में बात कर रहा हूँ। शासन और प्रशासन दोनों में अंतर है। मैं शासन से यहाँ प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं प्रशासन से सहमत हूँ। बोले चले राम, मैं आपसे पूछता हूँ राम कुमार जी, आप लोग शोर मत कीजिए, आपको आवाज नहीं आएगी अगर इस तरीके से शोर करेंगे। क्या दिक्कत है जौनपुर की? 5 साल में क्यों विकास का काम नहीं हो पाया? बोले आप लोग नारेबाजी मत कीजिए, जो लोग नारेबाजी करेंगे उनसे सवाल नहीं ले पाएंगे हम। नारेबाजी मत कीजिए। बोले आप अपनी बात कीजिए। 70 साल की आजादी में इस लोकतंत्र में जिस तरीके से हमारा भारतीय संविधान बनाया गया, जन प्रतिनिधियों को प्रमोट करने के लिए उनके माध्यम से जो विकास कार्य होते हैं, उससे ये हमारा मुगरा विधानसभा बिल्कुल अछूता रहा। और सबसे बड़ा खेद का विषय ये रहा, मेरा सीधा इस चैनल के माध्यम से माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए हिंदू और मुसलमान ने मिल करके इस देश को आजाद कराया, उसको बांटने का काम ये क्यों कर रहे हैं? इसको बताने का काम करें हमको। मैं जानना चाहता हूँ कि 30 करोड़ मुसलमान हमारे भाई जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। एक मिनट हो गई, जौनपुर शहर की सड़कें इतनी क्यों खराब है, क्यों जाम लगता है? जौनपुर फर्क की जो है जी, आप अभी पहले जाके देख लीजिए, सारे चौराहे जितने हैं कितने सुंदर हो गए हैं, सड़कें भी चौड़ी हो गई है। 5 साल में सुंदर हो गए, 5 साल में नहीं हुए। आप जाके देखिए, वहाँ पे सुंदर हो गई है। और इलाहाबाद से मुगराबाद शाहपुर की सड़कें चौड़ीकरण में है, 4 लाइन की हो रही है। मैं माननीय भाजपा जी के अपने हमारे मित्र हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, मुगराबाद शाहपुर में यहाँ पे हमारे भाई लोग जो बैठे हैं, आज यहाँ फाटक के ऊपर इतना जाम लगता है। अगर हमारा कोई माँ बहन भाई बहन कोई किसान बीमार है, अगर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी हॉस्पिटल इलाहाबाद में है, अगर ले जाना होता फाटक आधा घंटे के लिए बंद हो गई, उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसका जवाबदार कौन है? ये आप क्या बता रहे हैं, अपनी नाकामी बता रहे हैं क्या? हम नहीं बता रहे हैं, मुगराबाद शाहपुर सेंट्रल रेलवे आती है, दिल्ली गवर्नमेंट भाजपा की है, भाजपा के लोगों ने ब्रिज का बनाने का काम अभी तक नहीं किया है। मैं आपसे पूछता हूं कांग्रेस से, अजय जी एक मिनट आप शांत रहिए, अगर आप जौनपुर से मलहनी जाते हैं, मिनिस्टर हैं आपके जिस पार्टी से गठबंधन है, उस सरकार के सिर्फ गिट्टियां हैं वहां पड़ी हैं, कुछ नहीं है, सड़क नहीं है। जौनपुर से शाहगंज जाएंगे, ललई है, वहां पर मिनिस्टर हैं, उनकी जितने मिनिस्टर बने उन्होंने अपने इलाके की सड़क नहीं बनवाई। सर ललई की ही देन है कि शाहगंज से और मुगराबाद शाहपुर तक रोड बनी है, इतनी अच्छी रोड पूरे जौनपुर में कहीं नहीं है। गलत है क्या जो मैं बता रहा हूँ? गलत है क्या? नहीं, मैं आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से इसलिए नहीं सहमत हूँ कि वहाँ पे रोड खराब हो गई थी, रोड बनने का काम शुरू हुआ था, बीच में आचार संहिता लागू, इसलिए काम धीरे हो गया। बाकी आप इस रोड से जाइए, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा नहीं है। सड़क ही नहीं बनी, प्रयास ही नहीं किया गया। इनके जो जनप्रतिनिधि जिले में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, केवल ये प्रदेश को लूटने का काम किए हैं। लूटने का पीछे पब्लिक कहते हैं कि काम बोलता है, ये लोग कहते हैं कि काम बोलता है, काम यही बोल रहा है। आए दिन बलात्कार, हत्या, लूट, चुनौती। हमारे प्रधानमंत्री साहब जी हैं, केवल मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया, वो पूछो पूरे मुख्यमंत्री में कोई काम नहीं करेगा।
समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप 1090 नंबर डायल ये मुक्ता ये सब कन्या विद्या धन जो योजना चलाई है गरीबी को हित के लिए चलाई है। ठीक है, मैं और भी लोगों से पूछता हूँ जल्दी से सवाल, मैं इधर से भी लेता हूँ। आप बताइए काम हुआ यहाँ? यहाँ पर मुगरा बाफापुर नगर पालिका 110 साल पुरानी है, लेकिन नगर पालिका ही केवल विकास हुआ, क्षेत्र में जनता के अनुरूप पूर्ण विकास नहीं हुआ। ऐसे जनप्रतिनिधि हो जो हमारे नगर की सीमाओं को देख के इस नगर का विकास पूरे क्षेत्र का विकास करे। यह मुगरा बाफापुर की जनता इस नगर को अपना एक मिसाल मानते हुए जनप्रतिनिधियों से ऐसी अपेक्षा करती है कि पूरे क्षेत्र में मुगरा बाफापुर नगर पालिका की तरह विकास करें। और अगर इस जनता ने मौका दिया तो अगर यह प्रतिनिधि का मौका भविष्य में किसी पार्टी से मिला तो मैं इस मुगरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व 2022 में करने के लिए तैयार हूँ। इधर से भी सवाल लेता हूँ, बोले सर यहाँ की विधायिका जी जंघई से मुगरा की रोड खराब थी तब लोग हम लोग कहा करते थे, मैं यहाँ तो जिला पंचायत सदस्य हूँ उसी रोड पे रहता हूँ, जब इनसे पूछा जाए कि विधायिका जी ये रोड कहाँ बनेगी तो ये कहा करती थी कि मेरी गवर्नमेंट नहीं है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी DGP साहब के यहाँ आए, यहाँ सारे लोगों ने उनसे निवेदन किया, वह रोड बन गई, तो आज विधायिका जी ढिढोरा पीटती है कि वह रोड हमने बनवाया। इसके पहले उनकी सरकार नहीं थी, जब रोड बन गई तब उनकी सरकार में कहां से पकड़ा। राजेंद्र जी आपके एक मंत्री वो जमीन कब्जाने के उन पर बड़ा आरोप लगता है, उनके बेटे पर गुंडागर्दी का, लकी यादव पारसनाथ यादव। ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर ऐसा होता तो जौनपुर की जनता उनको कितनी बार सांसद बना चुकी है, विधायक बना चुकी है, ऐसा नहीं होता। ये उनके झूठा आरोप लगाया जाता है बार बार, कुछ लोगों की साजिश है उनको फंसाने की, सिर आंखों पर बिठाए तो गुंडागर्दी की जाए, जमीन कब्जाई जाए। माननीय सांसद पारसनाथ जी प्रधानी से लेके सांसद तक रह चुके हैं, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है एक भी। मैं आगे जाके बात करना चाहता हूँ, आगे जाके बात करना, चिल्लाएंगे कैसे होगा। हेलो भाइयों, हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि विधायक बड़ा होता है या चेयरमैन बड़ा होता है? जो काम हमारे कपिल भैया ने मुगरा बादशाहपुर वालों के लिए कर दिया है वो विधायक नहीं, कोई नहीं कर सकता। आप बताइए इधर से खड़े हुई बोलिए। हम उसी को वोट देंगे जो विकास किया है, विकास के नाम पे मैं माननीय अखिलेश यादव को वोट करेंगे। ठीक है, इधर से सवाल, आप लोगों में से कोई सवाल जी बोले। हेलो बोलेंगे उसे, यहाँ पे 12 से लेकर 16 तक बिजली मिली है अप्रैल मई जून जुलाई 4 घंटे, इन्वर्टर नहीं चार्ज होता था। आज मुगरा विधानसभा क्षेत्र यहाँ रेल नहीं खड़ी होती, ट्रेन नहीं खड़ी होती, पूरे 200 सड़कें खराब हैं आज यहाँ, समझ लीजिए आप सतहरिया जिसका नाम पूरे विश्व में है, लेकिन वहाँ सरकारी डॉक्टर सर्जन महिला तक नियुक्ति नहीं हुई। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, जिसका सतहरिया विश्व नाम है। राजेंद्र जी सुना सवाल आपने, यहाँ पे हॉस्पिटल की भी सुविधा है, इनका आरोप फराफर गलत है, ये गलत बोल रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं हेल्थ के सेक्टर में क्या इंतजाम है मैं पूछता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है यहाँ सुविधाएं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं हैं, जनता ने कई बार यहाँ की जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था के लिए, और यहाँ की अस्पताल की जो अपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कई बार जनता ने आवाज लगाई उनसे, उनको सस्ती लोकप्रियता में विश्वास है, उन्होंने जो भी जनता के बीच से या समर्थक के बीच से कभी किसी काम के लिए अगर उनको फोन किया और उनसे काम के लिए गुहार लगाई तो वो उनसे दूर हो जाता है। यहाँ के लोगों से लोगों की बात नहीं सुनती है विधायक, यहाँ के लोग कह रहे हैं। हेलो जी, कुछ स्वार्थी तत्व जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, अगर वो कोई बात हमारी विधायक से कहते हैं, हमारी विधायक उनके स्वार्थ को नहीं पूरा करती है, तो ऐसे लोग हमारी विधायक के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं, जो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद। आप बता रहे हैं, बोलिए। हम भाजपा वालों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान बगैर मुसलमानों का विकास कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं, क्या शमशान घाट कब्रस्तान आपके संविधान में लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा है तो ऐसी बात भाजपा के लोग क्यों बोलते हैं कि सारे मुसलमानों का शमशान पहुंचाया जाए? हमको बताएं भाजपा वाले, क्या उनके संविधान में
कब्रस्तान और शमशान की व्यवस्था लिखी गई है कि मुसलमानों को शमशान तक पहुंचाया जाए। बोले बोले, भाजपा ने कभी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में, आज बहुत से ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो आज मतलब शीर्ष स्तर पे हैं, चाहे सनवर, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए, कौन कहता है भाजपा वाले। संतोष जी, दो सांसद हैं आपके जी, उन्होंने गोद लिए गांव दो, उन गांव में गए आप? बिल्कुल गए हैं। क्या काम हुआ बताइए? बिल्कुल काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है साहब? मेरे सांसद के द्वारा लोग, देखिए मेरे सांसद के द्वारा रहने वाले हैं, बोलने देंगे तब तो हो जाएगा। भाई साहब बोले, सपा गवर्नमेंट में सिर्फ बलात्कार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप यही उठा के देख लीजिए, गायत्री प्रजापति अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सपा सरकार में सिर्फ गुंडा राज और बलात्कार यही हो रहा है, और भाजपा सरकार में विकास हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप अपनी जगह, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजेंद्र जी सवाल हो रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है आपकी सरकार में। हेलो, आप लोग को मालूम है आजकल हमारे अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 डायल की व्यवस्था की है, पूरे प्रदेश में 1000 गाड़ियां हैं। आज आपको मालूम है 10-10 किलोमीटर पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आप फोन करो, ऐसी कोई प्रदेश में व्यवस्था नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में है। नीलेश जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है यहाँ? आप लोग छोड़ मत दीजिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है यहाँ? जहाँ तक मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिसकर्मी वगैरह, नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, मुझे तो बड़े कर्मठ और निष्ठावान लगते हैं। समस्या शासन से है, जो शासन है लेकर राजा, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां जो शासन में है, भले वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हूँ। कोई भी पार्टी हो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ किसी भी पार्टी से। आप इसलिए संतुष्ट नहीं है कि आपकी सरकार यहाँ कभी आई नहीं, अभी तक सीटें निकली नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं? भैया हमारी सरकार तो सनातन से यहाँ पर है। हेलो, हमारी सरकार सनातन से यहाँ पर है, हमारे पुरखे यहाँ है, सब यहाँ है, और कैसी सरकार आएगी? हम लोग यही पैदा हुए, यही सरकार है। इनसे अभी पूछना चाहते हैं, जो अभी इन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती, तो क्या 403 विधानसभा में कोई भी ऐसी सीट नहीं थी, कोई ऐसा मुसलमान बीजेपी लीडर नहीं था जिनको ये कैंडिडेट उतारते? बोलिए संतोष जी, कोई काबिल नहीं मिला क्या आपको? हेलो जी, हमारी पार्टी, सुनिए उनकी आवाज सुनिए जी, हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करेगा, तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को क्यों टिकट देगी? बोले एक सवाल। हेलो हेलो, अभी नेताजी ने कहा 100 नंबर की गाड़ी सरकार ने दी है, 108 नंबर गाड़ी हर रोड पे देख लीजिए, वो खड़े होके वसूली सिर्फ करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। अजय जी, वसूली होती है क्या? बोले बोले, बिल्कुल होती, कहीं कोई वसूली नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 5 साल में एक सबसे बड़ा विकास हुआ है पूरे मुगराबाद शाहपुर में। मैं वो आपको बता दूं विकास कहाँ, आप सुजानगंज से बेलवार की तरफ जाएंगे तो एक हमारे यहाँ सखवट बड़ा उनका नाला पड़ा है, नाले में 5 फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई देती, वही विकास भवन है मुगराबाद शाहपुर का। मुगराबाद शाहपुर का विकास भवन देखना है तो सखवट के नाले पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग में जाकर देख लीजिए, वही मुगराबाद शाहपुर का विकास भवन। मेरा सवाल ये है कि 2 महीने पहले ये आपको नहीं दिखाई देता था विकास, 2 महीने बाद दिखाई देने लगा विकास भवन। हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 5 साल लड़ रहे हैं, और बता दें अखबार में लिखा है विधायक निधि का 80% हिस्सा स्कूलों में गया है, उससे स्कूलों से पैसा बैक टू बैक लिया जाता है। ठीक है, बोले करो। हेलो, मैं सवाल पूछिए अपना। मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमारा जो भाजपा का विधायक है श्रीमती सीमा द्विवेदी, इस समय विपक्ष में है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, 7-7 लाल बत्तियां जनपद जनपुर में घूमती गई। मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब इनकी जनसभा जनपद जौनपुर में हुई तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि जनपद जौनपुर को सी ग्रेड से बी ग्रेड कर दूंगा, पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकाल पूरा होने वाला है और जनपद जौनपुर बी ग्रेड नहीं किया गया। और जो सीमा द्विवेदी जी की बात है, मैं बताना चाहता हूं सीमा द्विवेदी जी ने इस नगर को समाजवादी पार्टी की सरकार में भय मुक्त नगर प्रदान किया। विधायक निधि का पैसा कहां गया? विधायक निधि का पैसा का हिसाब दीजिए, 2 करोड़ रुपया। मैं भाजपा के प्रतिनिधि यहां संतोष मिश्रा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी आपके कहां हैं, किस क्षेत्र में हैं? और पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि सांसद जी कहां हैं, क्या हम लोगों को उनकी फोटो की दर्शन करना पड़ेगा? बताइए संतोष जी। हमारे सांसद जी अपने क्षेत्र में हैं। अभी 4 दिन पहले वो जंघई में थे, करौरा में थे। हमारे सांसद के प्रयास से, हमारे सांसद के ही प्रयास से ये जो बाईपास संसदीय सब का प्रयोग मत करिए। क्या आप धमकी दे रहे हैं क्या? संसदीय सब का आप धमकी दे रहे हैं? अपनी जगह पहुंचे। क्या आप धमकी दे रहे हैं क्या लोगों को? धमका रहे हैं क्या संतोष जी? संसदीय सब का प्रयोग न करे। नहीं, कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, जो भी अपशब्द का इस्तेमाल करेगा बाहर जाएगा, डिबेट में नहीं रहेगा वो। आप अपनी बात कहिए, मैं सवाल लेता हूँ। बोलिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक बैठ बैठ जाओ। एक एक पैतीस इस समाजवादी पार्टी की सरकार में युवा मुख्यमंत्री ने जो 5 सालों में विकास का एजेंडा पेश किया है, जनता के हित में काम किया है, क्या मोदी जी ने 35 महीने में एक भी काम जनता के हित में किया है? केवल जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद के अलावा कुछ नहीं। आप लोग शांत रहिए। मैं आता हूँ, एक मिनट। आप लोग शांत रहिए। एक सवाल। अपनी जगह बैठिए, खड़े हुई। बोले। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, 5 साल को लेखा जोखा दें, विकास कहाँ गया है? सारा विकास इन्होंने सखवट नाले पे अपना कॉलेज खोला है, कमीशन खोरी किया है, एक पैसे के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। समाजवादी की सरकार है, पूरा फंड वहाँ से आता है। जौनपुर की जनता से हम मुखातिब हो रहे हैं, लगातार हंगामा इस बात पर हो रहा है क्योंकि सड़क बिजली पानी को लेकर के पब्लिक सवाल पूछ रही है, जवाब उनका नहीं मिल पा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बैठिए तभी सवाल लेंगे। नहीं बैठेंगे। एक मिनट अपनी जगह। आपसे हम सवाल नहीं ले पाएंगे, मैं मेहमानों से सवाल ले पाऊंगा। नहीं, आप लोग रास्ता। हंगामा करेंगे तो कैसे आपकी आवाज पहुंच पाएगी? मैं मेहमानों से पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ। राजेंद्र जी, ये किस तरीके की सूरत है ये जौनपुर की? किस तरीके की सूरत है ये? मुगरा बादशाहपुर की जनता, पूरा देश आपको देख रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, हाथ जोड़ के मुगरा बादशाहपुर का एक अच्छा संदेश दीजिए। आप लोग भाइयों बैठिए, हंगामा मत करिए, अपना सवाल लीजिए। अपना हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग देख रहे हैं। जो भी विकास का काम नहीं हुआ आप खुलकर बताइए। बैठ जाइए, अपना सवाल रखिए। अगर आप लोग नहीं शांत रहेंगे तो शो नहीं चल पाएगा, हमें खत्म करना पड़ेगा। आप लोग मेहमानों से सवाल लेता हूँ। बैठ जाओ, एक एक करके आप लोग अपील कर दीजिए। मंच से लोग चले जाएंगे, लोग मंच पे हैं। पहले तो मेहनत किया हुआ प्रोग्राम है ये। आप लोग बैठिए भाई लोग। आप लोग नारेबाजी मत कीजिए, आप लोग बैठ जाइए। सवाल लीजिए, नारेबाजी मत कीजिए, सवाल लीजिए अपना। आप लोग बैठने का कष्ट करें। मिले बैठिए आप लोग। मैं अजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे जौनपुर जिले में इतने मंत्री होने के बावजूद जो उम्मीद थी, शिक्षा का ये केंद्र था, एजुकेशन के मामले में नहीं बढ़ पाया, हेल्थ सेक्टर के में नहीं बढ़ पाया, क्या वजह रही कि 5 साल में कुछ भी काम नहीं हो पाया? शांत हो जाइए सर। 5 साल में सबसे ज्यादा काम पूर्वांचल में जौनपुर में हुआ है। जौनपुर में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, जौनपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, जौनपुर की सड़कें सबसे अच्छी है,
पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के बाद सबसे मैं पूछ लेता हूँ बीजेपी से क्या हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। आपकी आवाज आ रही है, बोले आ रही है आपकी आवाज, आवाज बोलिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ? यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल काम हुआ, क्यों नहीं हुआ जी? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार होती तो जरूर काम होता था। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसमें हमारी विधायक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो सका उन्होंने अपना प्रयास किया, और यदि हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है आने वाले समय में आपको हम दिखाएंगे शिक्षा कैसी होती है, शिक्षा कैसे दी जाती है। क्या आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी, कई बड़े मंत्रियों पर आरोप एक के बाद एक लगे? कोई आरोप नहीं है, हमारे यहाँ जौनपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के अखिलेश जी ने साबित कर दिया है समाजवादी पार्टी सबसे बढ़िया और विकास कर सकती है। किसानों को मुफ्त सिंचाई मिलती है, गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया गया है, दवाई भी मुफ्त दी जाती है, और इनकी सरकार है ये बोलते हैं कि इलेक्शन में सबको खाते में 15-15 लाख आया, आज तक किसी के खाते में 5 रुपया भी नहीं आया। राम कुमार जी, क्यों नहीं विकास पर बात होती है, क्यों नहीं यहाँ के विधायक विकास का काम करते हैं, क्यों नहीं सरकार विकास पर ज्यादा बात करती है? मैं जितने भी कैंडिडेट के प्रतिनिधि या कैंडिडेट आए हुए हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाएंगे तो आपको इस चर्चा का आनंद आएगा। बोलिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जितने लोग आए हुए हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो समाजवादी से हों, चाहे जिस पार्टी से लोग हों, मुझे ये बताने का काम करें कि जो अतीत है उन अतीत से हमारा वर्तमान बनने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मैं समाज सेवी हूँ, मैं विकास में विश्वास रखता हूँ, सहजता और सरलता में विश्वास रखता हूँ। मैं चाहता हूँ हमें जानकारी दीजिए कि हमारे सुजानगंज मोड़ से सतरिया का जो 4 किलोमीटर का जो सड़क है, जिला अधिकारी स्वयं आने से कतराते हैं, विधायक एमएलए एमपी आने से कतराते हैं। हमने महिला अस्पताल के लिए, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और मैं यहाँ से चल करके मुगरा बादशाहपुर से उनको एप्लीकेशन देने के लिए महिला अस्पताल के लिए गया था। और मैं बोले चलिए मैं पब्लिक से सवाल लेता हूँ, आप लोग हंगामा नहीं करेंगे, एक एक करके मैं सवाल लेता हूँ। समाजवादी पार्टी हंगामा नहीं करेंगे, सवाल सिर्फ अपना पूछे बहुत कम शब्दों में, आप में से कोई पूछेगा इधर सवाल? बोले बोले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री पूरे देश में विकास कार्यों को लेकर एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, और एक नरेंद्र मोदी जी दूसरे तरफ हैं भाजपा के, जिन्होंने इस देश के लोगों से वादा किया था कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होगा, कहाँ है 15 लाख रुपए? बताइए क्या मोदी जी ने कभी नहीं कहा था? ये दिखाए उनको बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग जो है जो खा पी के बदनाम करते हैं उनको, मोदी जी को खुद बदनाम किया जा रहा है। कौन से मीडिया में है आप बताइए? आप मीडिया वाले हो, आप घूमते हो, आप मीडिया वाले हो। सवाल पूछो। आप मीडिया वाले हो, आप घूमते हो, कहीं ने मोदी के चैनल में कहा है कि 15 लाख रुपए देंगे? आप बताइए, आप पढ़े लिखे हो, आप देखते हो, आप मीडिया चला रहे हो, आप बताइए। जुमलेबाजी कहा था अमित शाह ने, क्या कहा था? सवाल पूछे सर, मैं इधर से और भी लोगों से पूछता हूँ, एक मिनट बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जंघई के निवासी हैं, हमारा गांव राम मनोहर लोहिया गांव हुआ था, माननीय हमारे अखिलेश भैया ने सब दिए थे, लेकिन हमारे गांव का विकास ठीक से हुआ नहीं है, उन्होंने दिया लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? और भी लोगों से बोले। भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय नेता हो या स्थानीय, ये लोग सिर्फ जनता से वादे करते हैं, और चुनाव के टाइम में, केवल चुनाव के टाइम में यहाँ की स्थानीय विधायक 5 वर्ष पूर्व
हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में भारी जनता के बीच में तीन महीने के अंदर चुनाव जीतने के तीन महीने के अंदर नगर की मुख्य लाइट सतरिया इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने का वादा किया था जनता के बीच में। सतरिया को लेकर के सवाल उठाता हूँ मैं राजेंद्र, एक मिनट आता हूँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं ये इंडस्ट्री जो है सतरिया में वो दम क्यों तोड़ती चली गई, क्यों वहाँ पर जो ट्रक लूटे जाते हैं एक एक महीने में, एक एक साल में दर्जनों ट्रक लूटे जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फतहरिया में इतना बढ़िया इंडस्ट्री चल रहा है, पेप्सी की कंपनी चल रही है, अभिनव स्टील चल रहा है, आप चार मीनार पत्रे की कंपनी बहुत बढ़िया बिरला की है जो चल रही है। आपको बताऊं वहाँ पे अच्छे से अच्छा कार्य काम हो रहा है और नई नई फैक्ट्रियां, और पूरे प्रदेश में टाटा जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आज निवेश करने के लिए आ गया है, अखिलेश भैया ने इतना बढ़िया काम किया है। ठीक है, बोले पूछे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आश्वासन दिया हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता खाता खोलकर बैठी है, आज 2.5 साल 3 साल हो गया देखते देखते खाता में एक पैसा नहीं आया, उन्होंने कहा खाता खोलने के बाद 15 लाख रुपए एक पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने किया था आश्वासन दिया था कि हिंदुस्तान के हम प्रधानमंत्री हैं, हमारा सीना 56 इंची का है, लेकिन जब नापा गया तो उनका सीना जो है 32 इंची का निकला। आप बताइए, एक सवाल, हमारे अंकल जी ने कहा जो है कि बीजेपी मुस्लिमों को सीट नहीं देती है, क्या अफजल जो हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कौन है, कौन है वो? वो मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमानों के साथ खाना खाता हूँ, मैं मुसलमानों के साथ खाना खाया हूँ, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो गद्दार है। चलिए मैं कुछ और लोगों से सवाल, एक मिनट, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग इस तरीके की सूरत में? एक मिनट, अभी यहाँ से अपनी जगह पहुंचिए तभी मैं सवाल लूंगा, आप बैठ जाइए। आप बोलिए दादा, बोलिए, सवाल पूछिए आपने। भाजपा विधायक पूछिए। हमारे मैं सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, तदनंतर माननीय विधायिका सीमा द्विवेदी महोदया से पूछना चाहता हूं कि विकास केवल आपके आसपास तो दिखाई पड़ा, अपना विकास आपने किया, आपने निजी कॉलेज बनाया भुजधरा में जो करोड़ों रुपए का है, कहां से पैसा आया? ये सवाल विधायक को लेकर के था, आप बोले। मैं सपा के स्पोक पर्सन से पूछना चाहता हूं, अभी एक भाई साहब यहां पर बताए कि माननीय अखिलेश जी की क्षमताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं ये उनसे पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर वो उनकी क्षमताएं इतनी ही अधिक है, इतने ही प्रतिभावान और क्षमतावान मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियां आई क्यों हाईकोर्ट के माध्यम से पूरी हो रही हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं हो रही है? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए राजेंद्र जी। मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवानों के लिए रोजगार देते हैं, उसके खिलाफ सेंट्रल पे हमारे गरीबों को, हमारे जो भी हैं जवानों को, उनको उस चीज पे रोक लगा दिया जाता है। आपको बता दें समाजवादी पेंशन के लिए हाई कोर्ट ने अखिलेश जी का धन्यवाद दिया है, समाजवादी पेंशन सब गरीबों को मिलती है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या आप मानते हैं कि कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ बिल्कुल भी? रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, सबसे बड़ा काम जौनपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज दिया मुख्यमंत्री जी ने। मेरा सवाल रोजगार को लेकर है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया मुख्यमंत्री, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज, आप जवाब नहीं दे पा रहे, मेरा सवाल है रोजगार कितने लोगों को मिला, रोजगार अपने आप पैदा होगा? नहीं, आप जवाब दीजिए, रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार कई लाख लोगों को मिला, इसमें गिनती नहीं है, लेकिन लाखों लोगों को हर वर्ष रोजगार दिया। चलिए आप एक मिनट, नहीं, अभी तक कांग्रेस कहती थी 27 साल यूपी में हाल, अब क्या कहेगी कांग्रेस? 22 साल 5 साल माइनस कर दो उसमें। एक मिनट, आप लोग शोर मत कीजिए, आप मैं नहीं नहीं आप रास्ते मैं सवाल ले चुका, आप ऐसे करेंगे सवाल नहीं ले पाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आप मैं पीछे देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, पीछे मैं चलता हूँ, आप मैं सवाल लूंगा, एक सवाल, मैं
मैं भारतीय आम ताकत दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अभी तक जितने सरकारें हुई है सब देश को लूटने वाली हुई है। जब तक भारतीय आम ताकत दल की सरकार नहीं बनेगी तब तक जो है देश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार। आप लोग गैलरी खाली कर दीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे सवाल नहीं ले पाएंगे, ऐसे सवाल नहीं कह पाएंगे। एक मिनट बोले, एक मिनट, आप अपनी जगह पहुंचिए, अपनी जगह पहुंचिए, बोले। एक मिनट, लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन अनिल यादव को किसके कहने पे हटाया गया, यही यादव जी हमारे बता दे बस। सपा की स्पोक पर्सन से सवाल है, मैं राजन जी से सवाल है। एक मिनट, आप ऐसे मत कीजिए, बोले। सर, इस समय उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल सरकारी अस्पताल की दयनीय दशा है उसके लिए क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? उसने क्या कर रही है इस समय? क्या इनके बच्चे प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाएंगे? बोलिए राजन जी, बड़ा सवाल। भाई साहब, मैं खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, क्यों नहीं दूसरे को बता रहे हो? पूछिए। मुगला बादशाहपुर में जब से सरकार बनी उसके बाद मुगल बादशाहपुर के चेयरमैन साहब ने इतना काम किया, समाजवादी पार्टी के ही नाते इतना काम किया, उतना काम कभी आज तक हुआ नहीं है। मोदी जी ने जो नाम किया वो पूरे विश्व में नाम किया है, यहाँ की बात नहीं है। आपका सवाल हो गया, पीछे से एक सवाल। आप लोग अगर गैलरी से हट जाए तो मैं पीछे तक भी आ पाऊँ, आप लोग ऐसा करेंगे तो नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बोले। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते इस क्षेत्र का जागरूक मतदाता हूं। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय मामला है, कोई बता दे बीजेपी का बंदा इस लाइन रेलवे लाइन के दक्षिण विधायिका जी ने कितना काम किया है? और किया है तो सिर्फ कमीशन खोरी किया है। और जब ट्रांसफार्मर चलता है, ट्रांसफर चलता है गांव का बिजली का, तो कहते हैं चंदा वसूल लो, मैं फोन कर दे रहा हूँ ट्रांसफर आ जाएगा। बताइए संतोष जी, एक मिनट, ऐसे नहीं है। हेलो संतोष जी, बोले। इनका आरोप बेबुनियाद है। हमारी विधायक जी ने विद्युतीकरण के मामले में जितना काम किया है, दोनों ब्लॉक पूरे विधानसभा में जितना ट्रांसफार्मर, जितना तार, जितना विद्युतीकरण का काम हमारी विधायक ने कराया है, शायद किसी विधायक ने नहीं कराया है। देखिए बुजुर्ग है कितने, उन्होंने, आपने कई विधायकों को देखा, सरकारों को देखा, यहाँ काम हुआ। हेलो, हाँ, ऐसा है, हमने बहुत संसद और विधायक को देखा है। हमारे नगर में 15 साल जो है भाजपा के चेयरमैन थे, कभी कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल जो है हमारे जो है कपिल मुनि चेयरमैन हुए, बादशाहपुर में गली गली जो है विकास काम हुआ। हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, विकास पे वोट करेंगे। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं पीछे से सवाल लेता हूँ। आप लोग ऐसे मत कीजिए, मैं सवाल लेता हूँ एक ऐसे, बोले बोले। एक मिनट, बोले। हेलो, मैं सपा और बसपा दोनों दलों के लोगों से पूछना चाहता हूँ। हेलो, मैं सपा और बसपा दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, और साथ साथ कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि 27 साल यूपी बिहार का नारा कांग्रेस ने दिया और यहाँ 27 साल सपा और बसपा ने राज किया, आज प्रदेश का वो हालत बन गया है कि यहाँ हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार चरम पे है। और सुनिए, नहीं, और मैं विकास की बात करना चाहता हूँ, तो मैं कल यहाँ PHC मुगरा बादशाहपुर में आया, इतना बड़ा विकास हुआ है कि यहाँ आज तक रैबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। रैबीज के इंजेक्शन नहीं है क्या? सच है ये? आप अपनी जगह पहुंचे, आप बोले। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे, आप अपनी जगह पहुंचे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हर अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन आता है, लेकिन हमारी विधायिका जी को डॉक्टरों से लेके अस्पतालों में इतना कमीशन लेती है कि कोई भी डॉक्टर 6 महीने से ज्यादा रहता नहीं है यहाँ पे। भाई देखिए, शिवसेना बीजेपी की 25 साल की दोस्ती है, और शिवसेना प्रमुख बोलते हैं अखिलेश सरकार अच्छा काम कर रही है। आज भी उनका गठबंधन है विधानसभा में, और उनका शीर्ष नेता बोलता है कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कैसे आप झुठलाएंगे? आप बताइए। बोलिए, आपसे काम अच्छा कर रही है क्या सरकार, सवाल पूछा है। पीछे से मैं ले, आप लोग अगर गैलरी खाली कर दे तो मैं फिर ले पाऊँ सवाल। हाँ बोलिए, बोलिए सवाल। हेलो, मैं खास तौर से बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमी पे आपका बादशाह, वजीर आजम, जो हिंदुस्तान का वजीर आजम है, क्या कोई भी खातेदार के जेब में
क्या 15 लाख रुपया आया? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से, ये जवाब हमको दे। और दूसरा एक ही सवाल तब तक वो जवाब दे रहे हैं। 15 लाख को लेकर सवाल है आपसे। मैं एक मिनट, आप लोग ऐसे मत कीजिए शोर। बोले हम इनके सवाल का जवाब देना चाहते। आप जवाब दीजिए संतोष जी, जवाब नहीं दे रहे हैं क्या आप? हमारे मोदी जी ने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। ये आपसे सवाल हो गया। हमें तो लगता है ये पूरा प्रोग्राम ही मैनेज किया हुआ प्रोग्राम है। हमारे मोदी जी ने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। और मैं अपने बोले बन्ने भाई को बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ। मैं व्यापारी समाज से आता हूँ। व्यापारियों के लिए कोई काम आपकी पार्टी ने किया है? जैसे समाजवादी पार्टी ने चुंगी समाप्त किया, 3/7 समाप्त किया, इस तरह आपकी पार्टी ने भी कुछ किया 3 साल में? हेलो, जवाब दीजिए। जब हमारी पार्टी आप बनाएंगे तब हम कोई काम करेंगे ना। आप लोग तो कोई काम ही नहीं करने देते, तो हम काम क्या करेंगे? हमारी सरकार आ रही है, दिखेगा कि काम कैसा होता है। अभी चंद दिन पहले हम इन सभी पार्टियों से ये पूछना चाहते हैं, मुगरा बादशाह जो भी विधायक बनता है, बनने से पहले बहुत वादे करता है, लेकिन बनने के बाद सभी भूल जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। क्षेत्र में विकास कुछ नहीं होता मुगरा बादशाहपुर में। जो भी क्यों यहाँ विकास नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। एक मिनट, मैं लूंगा सवाल, ऐसे मत कीजिए। बोले सर, ऐसा है, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन के चिल्लाते हो आप लोग ना? नहीं, हम नहीं चिल्ला रहे, बीजेपी चिल्ला रही है, जनता चिल्लाती है। यहाँ की विधायक से जनता कह रही कि इनको परिवर्तन कर दीजिए। 3 बार ये विधायक थी, अज्जू भैया के साथ में पूरी जनता खड़ी हुई है कांग्रेस। मैं समय की कमी है, समय की कमी है, आप लोग ऐसे मत कीजिए ना, सवाल लीजिए। बोले, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या इतना टाइम है? युवाओं के लिए उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ जनता युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं है। सिर्फ वो प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजयी है, बाकी और उनके पास कोई काम नहीं रह गया। हम भाजपा को क्यों वोट दें? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि उन्होंने। ठीक है, मैं सवाल लेता, आप पूछिए सवाल। सबके विकास, सबका विकास जो नारा है भाजपा का, इसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। 403 सीट में मुसलमान का कोई नाम नहीं, लेकिन ये नारा जो है ये लागू जो है बीएसपी ने किया। बहन जी ने 100 से ज्यादा सीट देकर के मुसलमानों का हौसला बढ़ाया है। यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि हिम्मत नहीं जुटा पाया आने की? जुटा नहीं पाया, ये इनकी बात है ना, ये बीएसपी की बात मैं कर रहा हूँ। बीएसपी सरकार, हम तो कहते हैं सारे मुसलमानों को बीएसपी को वोट देना चाहिए। मुगरा बादशाहपुर के दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास 73 सांसद हैं, फिर भी वो विकास की बात करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का सांसद उनके साथ था, और भाजपा का विधायक मुगरा बादशाहपुर की सीमा जी है और विकास की बात करते हैं। कौन सा विकास हुआ है? ये जनता क्या बताती है? मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे विकास का काम हुआ 5 साल में? विकास के नाम पे 0 है जो है। अगर कोई विकास हुआ है तो मुगरा बादशाहपुर में माननीय कपिल मुनि जी ने अपने कर कालों में सुधार किया है, जो भी विकास हुआ है। और ये देन जो है वो सरकार की रही है, सही बात है। माननीय जो है कपिल जी ने जो भी विकास किया है, ये मुसलमानों की तरफ किसने ध्यान दिया जी? मुसलमानों की तरफ किसने ध्यान? मुसलमानों की तरफ से माननीय कपिल जी ने दिया है, ये तो सही है। लेकिन सवाल एक बात का ये है जो है कि जो सरकार आज तक रही है सिर्फ डसा है मुसलमानों पर। बहन मायावती ने जो है 100 से ज्यादा सीट मुसलमानों को दे करके मुसलमानों का हौसला कब्जाई पर किया है। चलिए, मैं जल्दी से सवाल लेता हूँ। मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप बैठ जाइए भैया, आप बैठ जाइए, आपसे सवाल ले चुका हूँ मैं आपसे। एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ सब लोगों के पास बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आपके अपने विधानसभा की समस्याएं कुछ है आप लोगों के पास? आप लोग सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं और अपना मुद्दा विधानसभा की सड़क बराबर नहीं है।
खड्डा है कि सड़क है कि सड़क में खड्डा है। हम तो यार 15 दिन से घूम रहे खड्डे में सड़क, और वर्तमान विधायिका कहती है कि हमको कोई फंड ही नहीं मिला, हमको कोई पैसा ही नहीं मिला। आप बताइए, हम बोले बोले संतोष जी, हेलो विधायक से सवाल किया जाता है, आप लोग विकास की बात करते हैं। हेलो, अभी पिकअप दिनों कुछ लोहिया काम जी बहुत सरल है, अभी कुछ दिन पहले बहुत सरल है, कुछ लोहिया काम हुए कर रहे भाई, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोहिया गांव चयनित हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने, नहीं बात नहीं अपने विधायक अपने सांसदों को राजेंद्र जी अपने विधायक अपने सांसदों को सारे गांव बांट लिए, हमारी विधायक को एक भी गांव नहीं दिया गया, तो क्या विकास करेंगी। एक सवाल आपके, उत्तर प्रदेश से 73 सांसद होने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है, हमें चाहेंगे जौनपुर के सांसद जी का हमारे जितने बीच में बैठे हैं आज तक किसके यहाँ आते, कौन सा विकास कर रहे हैं आज तक? बिल्कुल हमारे सांसद आते हैं, बिल्कुल वो क्षेत्र में मोदी जी बोलते हैं लोकप्रिय, हमने चाय बनाई, लेकिन आज तक कोई नहीं व्यक्ति मिला कि हमने चाय पी है उनकी। उनकी डिग्री आज तक डिग्री के मामले में आज पूछा जाता है तो डिग्री भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पूछे सवाल। और हमें पता है हमारे छोटे भाई द्वारा मुंगरा का पूरा विकास किया गया, लेकिन विद्युत विभाग में चाहे जिसकी सरकार रही हो आज तक विद्युत विभाग में मुंगरा वासापुर दर्जे ही नहीं है। ये देहात में है कि शहर में है, ये देहात में है कि शहर में है? बिजली को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि देहात में शहर में बिजली का जो बिल है वो अलग अलग आता है, परेशान रहते हैं लोग, ये सही बात है ना? नहीं सही बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा काम बिजली के लेवल पे किया है, सबसे ज्यादा प्रदेश में बिजली के लिए काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। आप लोग खड़े मत होइए, तो पीछे मैं आ जाऊंगा सवाल ले लूंगा, आप खड़े मत होइए, रुक जाइए, आप बैठ जाइए सवाल लीजिए जल्दी, इधर आइए। हम समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न ये कर रहे हैं कि हमारे एक मंत्री हैं आजम खान जी, उनकी भैंस गायब हुई तो पूरा डीजीपी से लेकर पूरा विभाग लग गया, और हमारे जनपद जौनपुर में डेली सैकड़ों जानवर गायब हो गए, आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसका जवाब हमें चाहिए, कैसा क्यों? जवाब दीजिए राजेंद्र जी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन आज हमारा बताया 100 डायल चालू हो गई है, पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया व्यवस्था है, आज फोन करो तो 15 मिनट में पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई कोने से आप फोन करो तो तुरंत पुलिस हमारी हाजिर हो जाती है। चलिए बोले सवाल। मैं समाजवादी पार्टी के विधायक जी से वर्तमान जो होने वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपको कैसे पता होने वाले? प्रत्याशी महोदय से, जो प्रत्याशी महोदय हैं समाजवादी के, ये प्रदेश परिवर्तन मांगता है, आपने जो कन्या विद्याधन में एक विशेष वर्ग अल्पसंख्यकों को 30,000 रुपए दिया, बहुसंख्यक को उससे कम दिया, और जो आपने, चलिए आपका सवाल हो, जवाब दीजिए जल्दी से, अजय जी जवाब दीजिए जल्दी। आपके पास कोई लिखित आदेश है इसका? ये सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सबको एक बराबर देखती है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जात और मजहब का स्थान नहीं है, धर्म और संप्रदाय का बांटने काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। चलिए, समय की कमी है। मुंगरा बादशाहपुर की जनता से हम मुखातिब हुए हैं जौनपुर जिले में, ये समझने की कोशिश की कि 5 साल में कितना विकास का काम हुआ है या नहीं। सिंहासन में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे मिर्जापुर में ठीक इसी समय पर इसी चैनल पर। नमस्कार।